छत्तीसगढ़ की धमतरी में पानी की तेज धार के बीच सड़क पार करने की कोशिश कर रहा आदमी बह गया। सीता नदी में बाढ़ की वजह से बाढ़ का पानी नदी के ऊपर बने पुल पर बहने लगा, जो तेज रफ्तार से पुल के ऊपर की तरफ बह रहा था। और इस बीच आदमी ने तेज धार के बावजूद पुल पार करने की कोशिश की, जिसमें वो बह गया, जिसका वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पानी की रफ्तार काफी तेज थी, धार काफी तेज थी और सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था वो व्यक्ति, लेकिन बीच सड़क पर ही फंस गया और पैर फिसलने की वजह से वो तेज धार में आगे बह निकला। जानकारी के मुताबिक लोगों ने उसे तेज धार में सड़क पार करने की कोशिश करने से रोका भी, लेकिन वो नहीं माना। तस्वीरें देखिए, लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति रुक नहीं रहा है। जान पर खेलते हुए उस नदी को पार करने की कोशिश की। पानी की धार इतनी तेज थी कि संतुलन बिगड़ने की वजह से पहले तो वो व्यक्ति गिरा और फिर उसके बाद पानी की धार इतनी तेज थी कि वो अपने साथ ही इस आदमी को बहा ले गई। उत्तराखंड के चंपावत में पहाड़ों पर बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने का सिलसिला जारी है। चनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर अचानक एक पहाड़ खिसक गया, जिससे उसका मलबा तेज रफ्तार और शोर के साथ सड़क पर नदी की तरफ बहने लगा। न्यूज 18 के पास मौजूद एक्सक्लूसिव वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से पहाड़ का मलबा खिसका और धीरे धीरे नदी की तरह बहने लगा और फिर पूरी सड़क पर फैल गया। तो ये धार जो है ये एक पहाड़ के मलबे की है। लगातार बारिश हो रही है। ये चंपावत इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के चंपावत इलाके की, जहां पर बारिश की वजह से पूरा का पूरा पहाड़ ही बह गया और सड़क पर इस तरीके से बहने लगा मानो कि वो पानी की कोई धार हो। एहतियातन इस पूरे इलाके में यातायात को फिलहाल रोक दिया गया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत की, जहाँ भारी बारिश की वजह से पहाड़ पहले तो मलबे में तब्दील हुआ और फिर उसके बाद पहाड़ खिसक कर सीधा नीचे नदी की तरह ही बहने लगा। नीचे नदी और सड़क के बीचों बीच बहता हुआ ये पहाड़, तेज धार मानो कि कोई नदी हो, कोई पानी का तेज बहाव हो, लेकिन पानी का तेज बहाव नहीं बल्कि पानी अपने साथ पूरे पहाड़ को ही बहाता हुआ ले जा रहा है। झरने की तरह पूरा पहाड़ एक तरीके से नीचे खाई की तरफ गिरता नजर आ रहा है। सड़क है और दूर खड़ी एक गाड़ी भी आप देख सकते हैं, जिसके हॉर्न को भी शायद आप सुन पाएं। और वहीं दूसरी तरफ सड़क तो पूरी तरह से बह गई है और इसीलिए एहतियातन यहां के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बताएं कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, तमाम जो ऊपर के इलाके हैं पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से कई पहाड़ भी खिसकते जा रहे हैं, कई पहाड़ इस तरीके से मलबे में ही तब्दील होते जा रहे हैं और लगातार बारिश की वजह से, पानी की वजह से पहाड़ों की मिट्टी खिसक कर सड़कों पर आ गई और फिर उसके बाद ये तेज बहाव के साथ बहता हुआ पहाड़ पानी और साथ ही साथ मिट्टी कंकड़ अपने साथ ही बहा लेकर जा रहा है। पूरी सड़क पर ये तस्वीर नजर आ रही है। एहतियातन इस सड़क को, इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से उत्तराखंड की ये तस्वीर, ये चंपावत इलाके की तस्वीर है, लेकिन इसी तरह की तस्वीरें दूसरे इलाकों से भी लगातार आ रही हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी की, जहां पर लगातार बारिश से रास्तों पर आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। जमीन खिसकने की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को भी फिलहाल बंद किया गया है और इसकी मरम्मत का काम लगातार जारी है। ये तस्वीरें मंडी इलाके की, और अब से कुछ ही क्षण पहले जो तस्वीरें हमने आपको उत्तराखंड के चंपावत की दिखाई थी, ठीक वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि पानी की धार यहाँ पर और पहाड़ की मिट्टी की धार उतनी तेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश की वजह से पहाड़ का एक टुकड़ा नीचे की ओर गिरा और सड़क पर आकर सीधा खाई की तरफ चला गया। और ये बहता हुआ पहाड़ एक तरीके से आप देख सकते हैं, मिट्टी किस तरीके से पहाड़ से खिसकती हुई नीचे सड़क की तरफ आते हुए और नीचे दूसरी तरफ खाई की तरफ जा रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल चंडीगढ़ मनाली हाईवे को एहतियातन बंद किया गया है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। वहां पर जेसीबी मशीन भी खड़ी हुई है, जिससे फिलहाल मलबा हटाने की कोशिशें
की जा रही है। और वहीं मंडी जिले में ही लगातार बारिश से नदियां भी उफान पर हैं। यहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिस तरफ देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। यानी एक तरफ जमीन खिसक रही है, वहीं दूसरी तरफ नदियां लबालब भरी पड़ी हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ पहाड़ जो कि खिसक रहा है लगातार, और दूसरी तरफ नीचे जहां पर नदियां उफान पर हैं, ये मंडी इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पूरा पहाड़ी इलाका है, लेकिन मंडी इलाके से दो नदियां भी वहां से बहती हैं, लेकिन जो नदी के किनारे लोग रहने वाले लोग हैं उनके लिए खासी परेशानी है। निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं वहां पर पानी भर गया है, नदियां उफान पर हैं और दूर दराज घरों की तरफ भी पानी घुस रहा है। ये मंडी इलाके की तस्वीरें जहाँ पर नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, लेकिन ये तस्वीर है ऋषिकेश की, जहां पर आपदा राहत दल के जवान नदी में डूब रही एक लड़की को बचाने लगे। बताया जा रहा है कि ये लड़की वहां नहाने गई थी, लेकिन इस दौरान वो गहराई में चली गई, जिसके बाद लड़की गंगा नदी की लहरों में फंस गई और डूबने लगी। लेकिन राहत की बात ये रही कि उस जगह पर आपदा दल मौजूद था, जिसने फौरन हरकत में आते हुए लड़की को बचाने के लिए आपदा दल के जवान नदी में कूदे और तुरंत उस लड़की को बचा लिया गया। तो नदी में छलांग लगाकर जवानों ने उस लड़की को बचाया, एक किनारे पर बिठा दिया। इसके बाद जवानों ने लड़की को दिलासा दी, शांत करवाया। बताएं कि बारिश की वजह से इन दिनों गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है, जिसे नजरअंदाज करना लड़की को भारी पड़ गया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि लड़की कहां से आई थी और उसके साथ कौन कौन थे। गंगा नदी में नहाने के लिए गई, लेकिन पानी का बहाव अचानक तेज हो गया और बहाव में बहने लगी, लेकिन बगल में ही लोग मौजूद थे जिन्होंने इस लड़की को नदी से बाहर निकाला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बाढ़ के बीच लोग जान हथेली पर रखकर पुल पार कर रहे हैं। मंदाकिनी नदी उफान पर है और ऊपर से लोग ट्रॉली के जरिए सवारी कर रहे हैं। 2013 में तबाही के बाद यहां के विजयनगर में पुल बह गया था, जिसके बाद 5 साल बीत जाने के बाद भी नया पुल नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं। पुराना पुल करीब 40 गांवों के बीच संपर्क का काम कर रहा है, लेकिन जब ट्रॉली से कई हादसे हो जाने के बाद भी लोग इसी को अपना सहारा मान रहे हैं। तो तस्वीरों में देखिए, नीचे मंदाकिनी नदी पूरे उफान पर है, लहरें ऊंची उठ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं, कोई और सहारा नहीं, और इसी ट्रॉली के जरिए लोग इसको पार करने को मजबूर हैं। हालांकि हादसे कई हो चुके हैं, लेकिन लोगों का भी ये आरोप है कि प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से लोगों के पास और कोई चारा बचा ही नहीं है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें जहां पर मंदाकिनी नदी का कहर नीचे और ऊपर जान जोखिम में डालकर लोग ट्रॉली में उस नदी को पार करने को मजबूर। लगातार बारिश हो रही है यहां पर, जिसके बाद पहाड़ खिसकने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, नदियां उफान पर हैं। बावजूद इसके यहां पर प्रशासन ने लोगों के लिए कोई पुल नहीं बनाया है। अब मजबूरी है लोगों की कि वो किस तरीके से इसको पार करेंगे, तो ट्रॉली एकमात्र जरिया, एकमात्र रास्ता रह जाता है नदी को पार करने का, लेकिन इसमें भी बड़ा जोखिम है। पर मजबूर हैं लोग कि अगर कामकाज के लिए जाना है तो फिर रास्ता और कोई उनके पास नहीं बचा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश कहर बनकर टूटी है। यहाँ रिहायशी इलाकों में इस कदर पानी भरा है कि पार्किंग में खड़ी दर्जनों कारें पानी में बोनट तक डूबी नजर आ रही हैं। इस दौरान सड़कों पर पानी बढ़ने से लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। एक तस्वीर मंडी इलाके के पहाड़ की दिखाई थी और ये तस्वीर मंडी इलाके के उस मैदानी इलाके की है, जहाँ पर पानी इस कदर भरा पड़ा है कि पूरी की पूरी गाड़ियां डूबी हुई हैं और लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों के घरों में भी पानी घुसता जा रहा है। बाढ़ जैसे हालात यहां पर भी पैदा हो गए हैं।
ये हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से बोनट तक डूबी हुई हैं, लोग घरों में कैद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि बाहर पानी काफी ज्यादा है और आसपास सभी दुकानें भी बंद है, आवाजाही पूरी तरह से ठप है क्योंकि नदियां भी उफान पर है और नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर की तस्वीर देखिए कि नदी में पानी के बीच फंसे कुछ बच्चों को राहत और बचाव दल के एक सदस्य पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। बताया गया कि वहां नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से 8 बच्चे फंस गए थे, जिसकी सूचना मिलने पर वहां पहुंचे राहत और बचाव दल के सदस्य पानी में फंसे बच्चों को बचाकर बाहर निकालने लगे। इस दौरान नदी के पास बनी सड़क पर लोगों को की भीड़ भी जुट गई। दावा किया गया कि नदी के पास एक मैदान पर वो बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक नदी का पानी इतना बढ़ गया कि बच्चे वहीं पर फंस गए और एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बाद में बचाव दल के सदस्य नदी के पानी में उतरे और बच्चों को ट्यूब के सहारे एक एक करके पानी से बाहर निकाला। नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि बच्चे गर्दन तक पानी में डूबे दिखे। कुछ घंटों की कोशिश के बाद सभी 8 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।